एक तरफा मुकाबला क्या होता है, एक वन वे ट्रैफिक क्या होता है, इसकी अगर आपको किसी को परिभाषा समझानी हो तो आप उसको दिखा दीजिए। ये वाला मैच जो था शाम का मैच, जहां पे एक तरफ हैदराबाद टीम या सामने थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये सदर्न डर्बी साउथ मुंबई में खेली गई और नेस्तनाबूद किया गया पूरी तरह से, 68 पे सिमट गई आरसीबी की टीम। और सवाल ये था कोहली का, क्या यार क्या कब रन बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, दो कंसेकटिव गोल्डन डक्स, दो बार ये रनआउट हो चुके हैं इस सीरीज में, इस सीजन में दो कंसेकटिव डक्स हो चुके हैं। आंखों सब तो आंसू आ रहे यार कि आई मीन प्लीज यार, मतलब आई ऑलवेज से दैट धोनी हो गए, कोहली हो गए, रोहित हो गए, ये ना ये अनुभूति हैं, ये एक्चुअली दे बिकम इमोशंस। और अब थोड़ी सहानुभूति हो रही है, रोहित से भी हो रही है, कोहली से भी हो रही है, अभी रियली होप कि उनका अच्छा चले, पर इस समय तो बहुत खराब चल रहा है। आरसीबी मतलब हारी है, बहुत बड़े मार्जिन से हारी है हैदराबाद, वो भी क्या कमाल करके दिखाया, पर यू डू फील फॉर कोहली, डेफिनेटली यू डू। और सुबह के मुकाबले में भाई साहब हेलो हार्दिक इज बैक, हार्ड एच इज, इनके साथ कोई हार्ड एच नहीं है, मुकाबला गेंदबाजी के साथ गुजरात टाइटन से एक बार फिर जीत जाती है, नंबर वन पे पहुंच जाते हैं, नंबर दो पे पहुंच जाती है हैदराबाद। और मतलब बाकी सारी टीमें कैसी भी हो, ये दोनों टीमें एब्सोल्युटली आबाद। द नोट वर्थी क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का मेरा सवाल आपके लिए इज दिस, चितेश्वर पुजारा, ये शॉर्ट बोलिंग के साथ इनको पेपर किया गया था इन ऑस्ट्रेलिया पेसर्स ने, जब बाउंसर मार मार के तंग किया गया था। ही वाज अमंग्स फोर इंडियंस हू स्कोर्ड मोर देन 250 रन इन दैट सीरीज, नेम द अदर थ्री। इन्होंने तो 250 बनाए थे, बाकी किसने कितने कितने बनाए थे प्लीज मुझे बता दीजिए। दिस इज द नोट वर्थी क्वेश्चन ऑफ द डे। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन हैशटैग आकाशवाणी। My 11 Circle presents hashtag Akashvani powered by Redmi Note 11 Pro Plus 5G में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और मुकाबला सेकंड मुकाबले से बात करेंगे क्योंकि समझ में आया नहीं यार मैच। ब्रबॉन की पिच ना बड़ी अच्छी होती है बैटिंग के लिए, और अच्छी थी बैटिंग के लिए, आई मीन थी, क्योंकि 72 रन तो 8 ओवर में ऐसे करके बना दी सामने वाली टीम ने। ऐसे पिटाई की कि लगा कि क्या बच्चों के सामने मैच खेल रहे हो। अभिषेक शर्मा और सनत सूर्या की याद दिला रहे थे, केन विलियम्स ऐसे सिंगल सिंगल चला रहे थे, राहुल त्रिपाठी पैर पे गेंद तो फिर हवाई सैर पे गेंद, लेकिन ऐसा था नहीं जब जब बल्लेबाजी कर रहे थे आरसीबी वाले, क्योंकि मार्को यांसन ने ना नानी याद दिला दी शुरुआत में, एक ही ओवर में, एक ओवर में तो नहीं, ठगाटक 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 विकेट जो गिराई हैं, चाहे आप फाफ डुप्लेसी की बात करें, वो तो अनप्लेएबल बॉल थी। विराट कोहली का सेकंड गोल्डन डक, कंसेक्यूटिव गोल्डन डक्स, माई गॉड आंखों में आंसू आ रहे हैं ऑनेस्टली, जिस समय से वो गुजर रहे हैं ना उनका मतलब दौर रहा है दौर, ये छोटा सा जो फेज है ना ये थोड़ा सा तंग तो कर रहा है भैया, समझ में नहीं आ रहा ये अंत कैसे होगा, ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। फिर अनुज रावत को भी जब कैच कराया गया उसके बाद तो विकेटें गिरती रही हैं, एक तरफा मुकाबला कर दिया हैदराबाद के गेंदबाजों ने। पर बिफोर आई गो फर्दर लेट मी टेल यू माई 11 सर्कल माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप पे अल्टीमेट टीम क्या रही, बड़ा अजीबोगरीब मुकाबला था। ये वाली टीम मैं कभी नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना, यू डोंट फिगर आउट, यू डोंट अकाउंट फॉर दिस पॉसिबिलिटी। निकोलस पूरन, केन विलियमसन, फाफ डुप्लेसी, जी हाँ फाफ डुप्लेसी 5 अंकों के साथ भी टीम में है, क्यों, क्योंकि मैच ही उस प्रकार का था, 68 पे सिमट गई थी भाई टीम। मार्को यांसन वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, सुयाश प्रभुदेसाई, टी नटराजन कप्तान होने चाहिए, जगदीशन सुचित, उमरान मलिक और हर्षल पटेल, जी हाँ ये जिसने टीम बनाई थी वो जीत गया, वो बन गया करोड़पति भैया। अल्टीमेट टीम जो थी वो माई 11 सर्कल की ब्रबॉन वाले मुकाबले के लिए ये थी। माई 11 सर्कल माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी, आपको पता ही है कि डाउनलोड करने के लिए लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बीबीएस को हराओ, 5 गुना इनाम पाओ, करोड़ों रुपए आप रोज जीत सकते हो, इससे बड़े इनाम किसी फैंटेसी ऐप पे इस समय नहीं है। अगर लिंक से जाओगे तो 1500 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा और मिलेगा 20% एक्स्ट्रा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट अगर कोड का करोगे इस्तेमाल विच इज AAKSH। तो फिर माई 11 सर्कल माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप पे खेलिए और जीतिए। और कई बार ऐसा मैच आएगा जो मेरी समझ में नहीं आता है, तो फिर कोई बात नहीं, वी शैल कम बैक स्ट्रॉन्गर, मतलब यू एंड आई। पर इंटरेस्टिंग ये मुकाबला रहा है, माय 11 सर्कल वन सेकंड डाउनलोड दिया। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब मतलब समझ में नहीं आती कि कहां से कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि विराट कोहली, बात तो हम फाफ की भी कर सकते हैं, फाफ ने पिछले मैच में रन बनाए थे राइट, अनुज रावत की भी कर सकते हैं, पर अनुज रावत तो बच्चे हैं यार। अब बात हमें करनी पड़ेगी विराट कोहली की, रन बन ही नहीं रहे हैं, पिछले मैच में दूर की बॉल थी खेले कैच आउट हो गए, इस बार बिल्कुल मुंह के ऊपर वो बॉल बिल्कुल आगे गिरी थी, अगर नॉर्मल विराट कोहली होते सामने मारते ड्राइव एकदम शीशा दिखाते और ऐसे करके होल्ड द पोज वाला, लेकिन इस बार ड्राइव मारने जाते हैं छोटा पांव भारी किनारा कैच आउट, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग समटाइम्स।
मतलब आप ऊंट पे बैठे होते हैं और आपको ना वहां पे भी चींटी काट जाती है। ये उनके साथ एक्चुअली हो रहा है, कुछ भी कर ले रन बन ही नहीं रहे हैं। दो तो गोल्डन डक्स हो गए, उसके बाद दो बार ये रन आउट हो चुके हैं। एक बार वो 50-50 वाला लेग बिफोर इनके अगेंस्ट जा चुका है। मतलब किसी भी तरीके से आप लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी करके देख लीजिए, इनका काम कहीं से नहीं चल रहा है। अब इनको क्या करना चाहिए, आई गॉट नो आइडिया। रवि भाई ने बोला है कि इनको 3 महीने का ब्रेक लेना चाहिए। मे बी यस, मे बी दैट्स द आंसर। क्योंकि खेलने से सबने ये सोचा था अब कप्तानी नहीं है तो बहुत रन बनेंगे, पर कप्तानी नहीं है फिर रन नहीं बन रहे हैं। द फैक्ट इज कि बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। तो अब वी ऑल फील ऑनेस्टली, मैं तो कह रहा हूँ भाई विराट आई स्टैंड विद यू यार। सबका खराब समय आता है, अच्छे समय में आपको सपोर्ट नहीं चाहिए होती, समर्थन नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर खराब समय है तो फिर आई एम विद यू, आई हैव सीन यू स्कोर, आई बिलीव इन यू, और दिस टू शैल पास, ऑनेस्टली इट विल। अब जरा हैदराबाद की तारीफों के पुल बांधते हैं, कसीदे पढ़ते हैं शान में, और मैं यहाँ पर भी उनको अंडर एस्टिमेट करने की जो मैंने जरूरत की थी उसके लिए पूरी तरह स्टैंड गिल्टी एज चार्ज, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था ये टीम इतनी अच्छी है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऑफकोर्स केन विलियमसन के पास वो शोले का सिक्का है, जब भी गिरता है इन्हीं के पक्ष में गिरता है, जीतते हैं, गेंदबाजी करते हैं, सामने वाली टीम को छोटे से टोटल पे रोक देते हैं, कई बार तो 68 पे रोक देते हैं। 23 अप्रैल की भी कहानी अलग है, क्योंकि सबसे बड़ा स्कोर 23 अप्रैल 49 पे आउट हुए 23 अप्रैल 68 पे आउट हुए 23 अप्रैल ये आरसीबी और 23 अप्रैल का कुछ ऐसा कहानी है, कुछ ऐसा किस्सा है, कुछ ऐसा रिश्ता है। अगेन वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, पर जिसको भी उन्होंने बॉल थमाई, मार्को यानसन, टी नटराजन हैज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, उमरान मलिक पेस है, सुचित डाउन द लेग भी आउट हो जाते हैं भाई, दिनेश कार्तिक, मतलब ऐसा भी हुआ है, और डक्स की लाइन लगी हुई थी, मतलब ऐसा भी हुआ है। 68 पे सिमट गई टीम, और उसके बाद वन साइडेड मुकाबला जिसके अंदर अभिषेक शर्मा आते हैं और सनत जयसूर्या है, चौके छक्के मारते हैं, और ही इज बीन ब्रिलियंट, केन विलियमसन आराम से रन बनाते हैं और मुकाबला जो है वो बहुत आसानी से हैदराबाद जीती है। नेट रन रेट इतना इंप्रूव हो जाता है कि नंबर दो पर पहुंच जाती है टीम, नंबर दो पर, वेल डन यार। अब यहां से रुक करते हैं वो दिन के मुकाबले का, जहां पर हार्दिक पांड्या वाज बैक, सो ग्रेट न्यूज, हार्दिक इज बैक। टॉस जीत के पहली बार किसी टीम ने बैटिंग करने का फैसला लिया, फैंटास्टिक, क्योंकि इतना अंतर नहीं है। अगर आप जीत और हार देखें तो पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो 44% जीती है, बाद में बैटिंग करने वाली 56% जीती है, तो उतना डिफरेंस नहीं है। जो सब सोच रहे हैं कि अरे चेज करो जीत जाते हैं, होता नहीं है। इन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया, विजय शंकर की जगह ये बल्लेबाजी के लिए क्या कहें अपनी टीम में आए, बाकी सारी टीम सेम रखी, यानी कि 5 प्रॉपर बोलर्स, यानी कि 3 ओवरसीज बोलर्स, लॉकी फर्ग्यूसन, नाउ यू गॉट मोहम्मद शमी एज इंडियन, यू गॉट राशिद खान, अलजारी जोसेफ, ये तो हो गए 4, यश दयाल, पूरे 5 बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं। फिर रवि राहुल तेवतिया है 6th ऑप्शन, 7th ऑप्शन इफ नेसेसरी, इफ रिक्वायर्ड, वो होनी नहीं थी क्योंकि उन्होंने बॉलिंग करनी नहीं है। दैट्स हार्दिक पांड्या, शुरुआती विकेट गिर जाता है, शुभमन गिल का भी मतलब वो किस्मत का मतलब उनका भी खाता खराब चल रहा है, डाउन द लेग आउट। टिम साउदी खेलते हैं, वो वहां पे बदलाव से टिम साउदी को खिलाया गया, एक्चुअली बड़े बदलाव थे कल कोलकाता में, एरन फिंच ड्रॉप, सैम बिलिंग्स खेलते हैं, रिंकू आ जाते हैं, शेल्डन जैक्सन ड्रॉप हो जाते हैं, पैट कमिंस ड्रॉप हो जाते हैं, टिम साउदी आ जाते हैं, और टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। शुरुआती झटका लगता है, उसके बाद रिद्धिमान साथ थोड़ी समय तक वो राना बॉल खेलते हैं, हार्दिक पांड्या एक और अर्धशतक जड़ देते हैं। व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर, जिस नंबर पर बैटिंग कर रहा बंदा वहां पे इतने अच्छे से बल्लेबाजी लगातार करना आई थॉट वाज डिफिकल्ट, पर ये काम वो बार बार करके बता रहे हैं, इनके जैसा कोई हार्ड एज नहीं है, इट्स बीन वेरी 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 गुड। और उसके बाद अगर हम बात करें, आप आगे की तरफ चलते हैं, तो फिर आपको कौन मिलता है, आप डेविड मिलर आते हैं, वो भी रना बॉल एक्चुअली 25-26 बनाते हैं। मेरे को लगा बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि वेयर इज अभिनव मनोहर सतरंगानी, कहाँ है वो, बैटिंग नहीं कराते उनको, बहुत नीचे भेजते हैं, राशिद खान के भी बात भेजते हैं। तो कुल मिला के बड़ा अच्छा कमबैक करती है कोलकाता की टीम, आखिरी ओवर में 4 विकेट लेते हैं आंद्रे रसल, अनबिलीवेबल, आंद्रे अंदर और बल्लेबाजी 1, 2, 3, 4 बाहर, एक ही ओवर में 4 विकेट चटका जाते हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल जहां पे 4 विकेट एक ही ओवर में किसी गेंदबाज ने 20th ओवर में चटकाए हो, क्या बात है। दैट वाज हिज ओनली ओवर, रन उतने ज्यादा नहीं थे, 160 से भी कम का टोटल है, आप चेस कर सकते हैं, पर चेस करने के लिए क्या करना होगा, बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, शुरुआत अच्छी करनी होगी, सैम बिलिंग्स पहले ओवर में टम आउट, थैंक यू। उसके बाद दूसरे छोर पे आपके पास वो नहीं भेजते हैं वेंकटेश अय्यर को, भेजते हैं सुनील नारायण को, सुनील नारायण टप आउट, चलो थैंक यू वेरी मच, आप 2 डाउन फॉर नथिंग ऑन द बोर्ड, श्रेयस अय्यर आते हैं थोड़ी देर रहते हैं, वो भी आउट, जब वो आउट होते हैं तो उसके बाद टिंग 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 नीतीश राणा के पांव पीछे की तरफ गए थे, स्क्वेयर लेग की तरफ, लॉकी फर्ग्यूसन पे, वो भी आउट। फिर वेंकटेश अय्यर के साथ थोड़ी देर तक रिंकू सिंह खेलते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं, पर विकेट जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे गिरते थे। उसके बाद आंद्रे रसल आते हैं, उमेश यादव मारते हैं, सब कुछ करने का प्रयास किया जाता है, पर बॉलिंग वॉज एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर, चाहे वो आप यश दयाल की बात करें, नो बॉल नहीं होती तो उनका तो मतलब ड्रीम हो जाता वो, पर एंड में जाके पिटाई भी हुई, उस ओवर में पिटाई हुई, सो इट जस्ट डिडंट वर्क आउट फॉर हिम, पर 2 विकेट उनके खाते में भी थी। लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी, अलजारी जोसेफ, क्योंकि आखिरी में भी जब रन चाहिए थे तो अलजारी जोसेफ ने ऐसे बाउंसर मारी, पीछे आउट किया उनको, दैट वाज आंद्रे रसल, एंड ऑफ द स्टोरी। और इस प्रकार
कोलकाता को थमा दी गई उनकी एक और हार। कोलकाता इज लुकिंग ब्रिटल, कोलकाता इज लुकिंग शेकी, कोलकाता इज लुकिंग एज अ टीम जिसको आइडिया नहीं हो रहा क्या खिलाएं, क्योंकि 8 मुकाबलों में 4 ओपनिंग अलग अलग प्लेयर्स ये ऑलरेडी खिला चुके हैं। वेंकटेश अय्यर बतौर ओपनर शुरू हुए थे, आई डोंट नो उनको किस नंबर पे क्यों भेजा जा रहा है। सैम बिलिंग्स अब नए ओपनर बन गए, सुनील नारायण ओपनर बन गए, टिम साउदी आ गए, पैट कमिंस बाहर जा चुके हैं। देयर इज सो मच हैपनिंग। वरुण चक्रवर्ती विकेट नहीं ले रहे हैं, इनफैक्ट ही स्ट्रगलिंग टू एक्चुअली गेट इज लाइन एंड लेंथ राइट। फास्ट बॉलिंग में उतना पेनिट्रेशन नजर नहीं आ रहा, और नीतीश राणा ने सिर्फ एक इनिंग्स में रन बनाया, श्रेयस अय्यर ने 2 इनिंग्स में रन बनाया, एंड दैट्स अबाउट इट। कोई रन तो बना ही नहीं रहा है। वेंकटेश अय्यर ने 1 इनिंग्स में रन बनाया है। दिस टीम एट दिस पॉइंट इन टाइम लुक्स इन कंप्लीट डिसअरे। अनफॉर्चुनेटली गुजरात टाइटंस ऑन द अदर हैंड बार बार समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बॉलिंग अच्छी हो तो कुछ भी किया जा सकता है। शुभमन गिल नहीं रन बनाते, हार्दिक पंड्या नहीं भी होते तो भी ये मैच जीत जाते हैं। हार्दिक पंड्या है, बाकी लोग रन नहीं बनाते तो भी ये मैच जीत जाते हैं। कम टोटल कोई डिफेंड कर लेते हैं, 5-5 बॉलर्स के साथ उतरते हैं, 5 क्वालिटी बॉलर्स, एंड दैट इज हाउ दे आर स्क्रिप्टिंग अ विन आफ्टर अ विन आफ्टर अ विन। सो गुजरात टाइटंस सनराइज हैदराबाद, ये 2 सरप्राइज पैकेजेस रहे हैं इस आईपीएल के। और शानदार शनिवार में बॉलर्स का रहा दिन, 2 स्लाइटली लेस फेवर्ड टीम्स का रहा दिन। सो वेल डन गुजरात, वेल डन हैदराबाद। मेरी तो दोनों प्रेडिक्शन खराब, कोई बात नहीं, चलता है एज लॉन्ग एज क्रिकेट इज द रियल विनर। यू वॉचिंग माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G। अब जो मैंने आपसे कल सवाल पूछा था उसका जवाब मैं अभी आपको देता जाता हूँ, इंपॉर्टेंट रहता है जवाब देना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, जो मैंने सवाल पूछा था वो ये था कि भाई दिस इज स्टीव स्मिथ गेटिंग हिट बाय अ विशियस बाउंसर, उन्होंने उस सेशन में कितने रन बनाए थे? 774 रन बनाए थे, 110 की औसत से। स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ, आपको इसमें हिस्सा कैसे लेना है इस कॉन्टेस्ट में, सब कुछ है डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कीजिए। और माई 11 सर्कल माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यूज माई कूपन कोड, ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या फायदा होने वाला है। करेक्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, क्योंकि आज शाम को LSG के साथ MI होगा वानखेड़े के मैदान पे। उसमें क्या हो सकता है उसकी बात करूंगा मैं 10 बजे वाले वीडियो में।